जानते हो एक कमांडू कैसे बनता है? पचास मील तक 60 किलो का वजन उठाकर चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रैक करना, बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना। क्या है इस फिल्म की ऑनगोइंग कंडीशन और कैसा है इस फिल्म की कास्ट के बीच में कंपैटिबिलिटी और बॉन्ड? आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही इसी साल हम लोग के सामने एक खास मूवी आने वाली है जिसका टाइटल ओम द बैटल विद इन है। हमने अपने पिछली वीडियो में आपको इस मूवी से जुड़ी काफ़ी कुछ खास और अनजान बातें बताई थी और हम फिर आ गए हैं इस मूवी के बारे में कुछ नई बातें लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी के लीड एक्टर्स के बीच की बॉन्डिंग और साथ ही साथ में आदित्य रॉय कपूर के इस खास जर्नी का, जिसमें रोम कॉम कॉमेडी से लेकर और अब उनका सफर एक एज एन एक्शन हीरो स्टैब्लिश हो रहा है। आदित्य रॉय कपूर ने बॉलीवुड में काफी बेहतरीन मूवीज दी हुई हैं और उनका फैन बेस उनका दीवाना है। साथ ही साथ में बात करें तो उन्होंने अभी तक जितनी भी मूवीज की हैं वो सारी रोम कॉम रही हैं, लेकिन अब उनकी मूवीज एक्शन और थ्रिल वाली आ रही हैं। तो आइए इस सफर के बारे में कुछ बात करते हैं। उन्होंने अपनी कुछ पिछली मूवीज जो कि काफी हिट रही थी उनमें एक रोमांटिक लड़के या फिर एक कॉमिक लड़के का रोल निभाया है। अब अगर बात करें उनकी फिल्मों के बारे में तो उन्होंने दावते इश्क, आशिकी 2 की जो कि उनकी सुपरहिट मूवी है, ये जवानी है दीवानी जैसी कुछ खास मूवीज की हुई हैं। इसके बाद इनकी अगली मूवी आई 2021 की मलंग मूवी, जो कि बहुत ही बेहतरीन रही और ब्लॉकबस्टर थी। इस मूवी में इनके साथ दिशा पटानी नजर आई, जिन दोनों का डुओ लोगों ने बहुत पसंद किया और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री के पीछे तो लोग पागल हो गए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, उस मूवी में अनिल कपूर जैसे कलाकार भी थे जिसकी वजह से यह मूवी का हिट होना बनता ही था। वहीं हमको मेन रोल में ही कुणाल खेमू भी नजर आए। अब आप जान सकते हैं कि इतनी बेहतरीन कास्ट हो तो मूवी का हिट होना बनता भी है। हालांकि आदित्य रॉय कपूर की ये पहली एक्शन ड्रामा मूवी थी और उन्होंने उस किरदार को बखूबी निभाया। साथ ही साथ में उन्होंने बताया भी है कि उनको एक्शन और थ्रिल मूवीज करना बहुत पसंद है, लेकिन उनको कभी वह मौका नहीं मिल पाता, लेकिन हमेशा से वह इस चीज़ में दिलचस्पी दिखाते आए हुए हैं और इसलिए वह हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको ऐसी मूवीज मिले। हालांकि फाइनली उनका ये ड्रीम कम ट्रू हुआ और उनको एक्शन मूवीज मिलनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद मलंग के बाद ओम द बैटल विद इन उनकी अगली हीरोइक यानी कि एक्शन थ्रिल मूवी होगी। अब देखना होगा इस बार अपने किरदार से कितना हम लोगों को खुश कर पाते हैं आदित्य रॉय कपूर। अब अगर बात करें ओम द बैटल विद इन के बारे में तो इस पैंडेमिक के टाइम पे भी आदित्य रॉय कपूर ने अपनी बॉडी और अपने वर्कआउट के साथ कोई भी जाती नहीं की। उन्होंने अपनी बॉडी को एकदम परफेक्ट रखा है ताकि वो इस रोल में पूरा परफेक्ट बैठ सके। इस मूवी में उनके साथ संजना सांगी नजर आने वाली हैं और इन दोनों के बीच की लव स्टोरी हम लोगों को दिखने वाली है। इन दोनों की साथ में ये पहली मूवी है, लेकिन इन दोनों की मूवीज के BTS सीन्स तो ऐसे दिखाते हैं जैसे ये लोग हमेशा से ही दोस्त रहे हों। साथ ही साथ में यह मूवी 2021 में ही हम लोग के सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा सा इंतज़ार और करने को तैयार हैं। अब अगर बात करें संजना सांघी और आदित्य रॉय कपूर की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में तो दोस्तों, यह चीज़ हमेशा से होती आई है कि एक्टर्स और फिल्म मेकर्स अपने मूवी के BTS शॉर्ट्स अपने फैंस के जरिए शेयर ज़रूर करते हैं, कभी इंटरव्यूज तो कभी अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करने के जरिए, लेकिन अपने फैंस को अपने BTS मूवमेंट ज़रूर दिखाते हैं और साथ ही साथ में अपने फेवरेट BTS मोमेंट्स को तो ज़्यादातर फैन सोशल मीडिया पर देखने को पाते ही हैं। अब अगर बात करें इसी के बारे में तो संजना सांघी और आदित्य रॉय कपूर की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत सुंदर दिखी जब संजना सांघी ने एक पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि यह उनका फेवरेट BTS मोमेंट था। उसमें कहीं ना कहीं दोनों के दोनों एक जंगल के बीच में शूट के दौरान बात कर रहे थे और बातचीत के दौरान ही संजना सांघी काफ़ी हंस पड़ी और चीज की फोटो और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि यह मूवी का उनका फेवरेट BTS शॉट था। तो यह देखने को तो हमको मिल गया कि भले ही उनकी ये मूवी पहली बार ऐसे ऑन स्क्रीन साथ हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन की कंपैटिबिलिटी और इक्वेशन काफ़ी अच्छा बैठ रहा है।
अब देखना होगा कि इस ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन कितने अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, भले ही फिल्म के मेकर्स फिल्म के बारे में कोई खबर नहीं देना चाह रहे, लेकिन हम आप तक लाते रहेंगे फिल्म की सारी खबरें, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़रूर करिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ में इस नए डुओ को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए।